हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शकील जय खान। वेलकम टू आवर चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का है वो है इन्फिनिटिव्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब कोई सेंटेंस में हम लोग टू और प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तब उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में एक चीज़ नोट कीजिए आप कि इन्फिनिटिव कोई भी टेंस में आता है, और चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे कंटिन्यूस हो। ओके, तो उसमें हम लोग ये इश्यू नहीं करते कि उसका टाइम ऑफ एक्शन क्या था। ओके, तो इन्फिनिटिव एक्चुअली टू रहता है, टी ओ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ योर वर्ब। तो अगर सपोज मुझे उसका एग्जाम्पल लेना हो तो आई कैन से लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। तो टू बाय जो है वो हो गया हमारा इन्फिनिटिव। अब मैंने यहाँ किया आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। अब यहाँ पे पास कंटिन्यूस हो गया, तो भी हमने टू टी ओ टू प्लस बी यू आई बाय का इस्तेमाल किया। तो इन्फिनिटिव होता है कि जब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं टू और कोई बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करके हम इसे एक सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें कोई टाइम ऑफ एक्शन हम लोग बता सकते नहीं कि कब हुआ। ओके, और इसमें एक ऐसा भी होता है इन्फिनिटिव जो हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, मतलब टू का इस्तेमाल नहीं होता होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मॉडल ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल शैल, मे, माइट, कुड, कैन, कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। और ये जो सेंटेंस, जो वर्ड्स है हमारे पास, लेट, मेक, फील, नोटिस, ओके, वॉच, इसके साथ भी हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते, इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। ओके, तो अगर सपोज मुझे कहना हो माइट का इस्तेमाल करना हो अगर सपोज सेंटेंस में, सो आई माइट बी जोकिंग। ओके, सो यहाँ पे टू नहीं आया, आई माइट बी जोकिंग। और उसी तरह अगर हमें लेट, मेक, फील, वॉच, नोटिस का इस्तेमाल करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो इतना याद रखिए आप, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं और लेट, मेक, वॉच, नोटिस, फील, ऐसे अगर वर्ड्स आए सेंटेंस में, तब आप यूज करेंगे बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब होता है कि ऐसा इन्फिनिटिव जो टू, विदाउट टू हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता हो गया होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, एंड अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।